नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेप सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और मंडे के लिए, मतलब 27 अप्रैल 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाइसेल लेवल्स दिखाऊंगा, 100 डे EMA स्ट्रेटेजीज दिखाऊंगा, इनसाइड द बार NR4 NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। आप लोग को फ्री में बहुत ही बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा जो कि आप लोग को नेक्स्ट ओपनिंग में आप लोग को ट्रेड लेने के मदद करेगा। और उसके बाद थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है, वो मैं बाद में बोलता हूँ, लेकिन आप लोग को ओपनिंग के बाद कुछ सेशन के टाइम आप लोग को ये काम पे आएगा। और जो जो लेवल्स मैच करते हैं वो बहुत लाइव होल डे लॉन्ग भी काम कर करेगा, बाई एक बार बाई लेवल एक बार सेल लेवल का भी आ सकता है। एनीवे तो इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद निफ्टी, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा, रेगुलर बेसिस मिल जाएगा। आप लोग को एक असेसमेंट हो जाएगा कि निफ्टी का कैसा मूवमेंट हो सकता है। और मैंने लाइव डेमो दिखाता हूँ निफ्ट मेरा बाइसेल लेवल कैसे काम करता है। आप लोगों के सामने मैंने कैलकुलेट करके एक्सेल शीट में कैलकुलेट करके और चार्ट का सेटअप, मेरा बाइसेल लेवल और चार्ट का सेटअप का स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है आप लोग को सामने दिखाता हूँ। तो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग मेरा पिछले दिन बहुत सारा दिन से जितना सारा वीडियोज़ बनाए आप लोग देख सकता है कितना एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है, काम कर रहा है। और ये बाइसेल लेवल जो है इसका भी आप लोग पिछले डेट्स का जो जितना सारा डेट्स है सोच लीजिए 1 मास पहले का, पहले से आप लोग स्टार्ट करके देख सकते हैं ये कैसे इसका एक्यूरेसी है। तो इसके बाद आप लोग को से ये मैंने आप लोग को ट्रेनिंग देने के लिए, मैंने ये सिखाने के लिए मैंने ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है। उसका ट्रेनिंग का मॉड्यूल ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ट्रेनिंग ले सकता है, ट्रेनिंग का डिसीजन ले सकता है। और जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता है वो मेरा कॉल सर्विस ले सकता है। ये कॉल इसमें मैंने पूरा फाइल शेयर कर दूंगा, इसमें इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स स्टॉक्स इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का सभी का बाइसेल लेवल्स रहता है। और मैंने लाइव मार्केट में भी टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा। उसके ऊपर मैंने मेरा व्हाट्सएप में कॉल था रहेगा कि इस लेवल कौन सा इसका स्टॉक्स में या इस क्रिप्ट में इस लेवल पे एंट्री लीजिए, इसमें बाय होगा इसमें सेल होगा, वो भी आप लोग को दिख जाएगा। और जो मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग पावर ऑफ गन एंगल्स, गन एंगल्स वो सब वीडियोस भी देख लीजिए, और भी बहुत सारा वीडियोस, और भी बहुत सारा कोई भी स्ट्रैटेजी आप लोग देख सकता है और आप लोग उसको ही प्रैक्टिस कर सकता है। उसमें आप लोग को बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट दे सकता है। इसके अलावा बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, आर्बिट्रेज, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स इन इंट्राडे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब कैसे एनालिसिस किया जाता है वो सब भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस का मिल जाएगा, ऑप्शन चेन स्ट्रैटेजीज को मिल जाएगा। तो ये सब आप लोग को यूट्यूब वीडियो आप लोग सब्सक्रिप्शन करेंगे तो अब और भी बहुत सारा चीज़ मैंने हर रोज डेवलप करने का, सभी समय डेवलप करने का कोशिश करता हूँ, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए। और ये जो फाइल है इसमें हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स और इसमें हाउ टू स्क्रीन और व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल्स इन दिस फाइल, ये वीडियो आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूट्यूब का वीडियो आप लोग मस्ट देखिए, एकदम ये बहुत ही जरूरी है। यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ रहता है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे और इसका लिंक जो जितना सारा इम्पोर्टेंट वीडियोस है और बहुत और भी लिंक्स है वो आप लोग को देखने का, वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर कुछ दिन के लिए ट्रायल ले सकता है। और जो लोग लाइव डेमो देना देखना चाहता है किसी, मैंने एक दिन दिखा दूंगा किसी भी सेगमेंट में, इक्विटी हो कमोडिटी हो, मैंने एक दिन पूरा आप लोग को देखे पूरा लाइव डेमो दिखा दूंगा।
तो इसमें आप लोग ऐसा ये इसीलिए आप लोग को इसको सब्सक्राइब कीजिए और ये सब फैसिलिटीज आप लोग जरूर अडॉप्ट कीजिए, तो ताकि आप लोग को देखिए ट्रेनिंग में बहुत ही चेंज आएगा या आ जाएगा और आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकता है लाइव और प्रॉफिट का स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। तो देखिए इसमें बाय सेल लेवल आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद अब मैंने नहीं बोलूँगा कि क्या क्या है, मैंने इसमें बाय तीनों सेट ऑफ बाय सेल लेवल्स पहले दिखाऊंगा, उसके बाद गन लेवल्स, वेबनसी लेवल्स, मूरेस लेवल्स, बहुत सारे लेवल दिखाऊंगा, आप लोग एक एक करके देखते जाइए। ये बाय सेल लेवल वन है, बाय सेल लेवल वन का बाय का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ रहता है, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ रहता है। सेल का भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ रहता है। और इसमें आप लोग को गैप अप और गैप डाउन को कंसिडर कर लेना है, कौन सा मार्केट कौन सा लेवल पे ओपन हो रहा है वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप लोग को ट्रेड लेना है। सोच लीजिए 638, 640, 641, 50 हो गया, तो 642, 50 के टारगेट लेके लिए आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो 642 पॉइंट 50 जब क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट के लिए देख सकता है। तो ऐसे करके आप लोग को ट्रेड लेना है। और ये है बाइसल, इसके बाद बाइस ये है बाइसल लेवल टू, ठीक है, इसके बाद आएगा बाइसल लेवल थ्री, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना का सारा पैरामीटर्स लगा हुआ है, इसमें भी आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है। और इसमें बाइसल लेवल थ्री है, बाइसल लेवल आर वन, इसका बाई का एंट्री लेवल है और एस वन सेल का एंट्री लेवल है, सभी में गैप अप गैप डाउन कर से आप लोग, ये स्टैंडर्ड पिवट है, पिवट पॉइंट है, इसमें भी आप लोग ट्रेड ले सकता है, आर वन आर टू आर थ्री एस वन एस टू एस थ्री। और इसमें बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल का वैल्यू नोट कर सकता है, अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड, तो उसका ऊपर नीचे जब हो जाएगा तो आप लोग बाई या सेंडल एंट्री ले सकता है। और इधर टीरन लेवल, इधर वी डब्ल्यू ए पी का भी आप लोग को वैल्यू मिल जाएगा, और वी डब्ल्यू ए पी का ऊपर है या नीचे है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा, ठीक है। टीरन लेवल का वैल्यू नोट कर सकता है, टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन, ये भी बाय सेल लेवल का तरह काम करेगा। इसके बाद मैंने दिखाऊंगा ये है गान का, गान डिग्रीज का लेवल्स, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब बाय साइड का है और बाय साइड का लेवल्स है, या ये सेल साइड का लेवल्स है, ठीक है, इसका ऊपर बाई होगा, इसके नीचे सेल होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बाय लेवल आ गया मतलब ये अप ट्रेंड में चला गया, ये फर्स्ट एक टारगेट अचीव हो सकता है, दो टारगेट अचीव हो सकता है, फर्स्ट टारगेट का फर्स्ट टारगेट मतलब कोई सोच लीजिए आर थ्री और आर फोर का बीच में है, तो फर्स्ट टारगेट आप लोग को लग गया, उसके बाद आप लोग ट्रेल कर सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट, प्रॉफिट 90% प्रॉफिट बुक करके आप लोग बाकी का ट्रेल कर सकता है। इंट्राडे में ऐसे ही करना जरूरी होता है। यह है गन स्क्वायर का अप नाइन, ठीक है, और यह है बुडेस मैथमेटिकल्स लेवल्स, इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस बीच में रहता है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट सपोर्ट बीच में रहता है, ठीक है। और एस वन एस टू एस 18 तक इसका लेवल्स है, तो इसमें क्या ना क्या है 650, 56 और 650 के नीचे बीच में रहेगा, तो ये नीचे ट्रेड लेना है, सेल का एंट्री लेना है, 656 और 360 के ऊपर रहेगा तो बाई का एंट्री लेना है, तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा। और इसमें और जो है गान टाइम्स पाई स्क्वायर भी मिलेगा, ठीक है, गान ये देखिए इसमें कौन सा गान का डिग्री का कौन सा एंगल पे आए हो, कौन सा और कितना टाइम में ये चेंज हो सकता है, ये भी आप लोग को ये गान मतलब घंटा और मिनट में आए कौन सा टाइम में जो चेंज आप लोग को बड़ा चेंज दिखने का मिलेगा वो भी आप लोग देख सकता है। और ये है 360 डिग्री एनालिसिस 45, ये है 360 फर्स्ट साइकिल का, ये है फर्स्ट साइकिल का अप साइड, ठीक है, फर्स्ट साइकिल का अप साइड इधर से चालू होता है, ठीक है, आप लोग को देख लेना है कौन सा और अप साइड का डाउन साइड, ये है 45 डिग्री से 360 डिग्री तक अप साइड का, सॉरी फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड, ये इसके बाद यह अप साइड सेकेंड साइकिल, ठीक है, और 360 एनालिसिस डाउन साइड सेकेंड साइकिल, ठीक है, इसके बाद 360 एनालिसिस अप साइड थर्ड साइकिल और डाउन साइड थर्ड साइकिल, ठीक है, इसके बाद ये भी फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल, आप ये भी प्राइस नोट कर सकता है, ये भी एक टाइम टाइम है, ये भी ये टाइम भी आप लोग नोट कर सकता है, ठीक है। और ये है बाई नंबर थियोरी के, नंबर थियोरी के ऊपर ये दिया हुआ है। और ये है गन स्क्वायर ऑफ 12,
ठीक है, इतना सारा लेवल्स देखने का मतलब ये है कि आप लोग इतना सारा लेवल्स कंपेयर करके जो सूटेबल लगेगा उसमें आप लोग ट्रेड ले सकता है, नहीं तो कोई भी एक लेवल फॉलो कर सकता है। तो बहुत सारा लेवल्स जो कंपेयर करके किसी, सोच लीजिए थोड़ा सा कॉमन आ रहा है, कुछ थोड़ा सा नज़दीक वाला लेवल्स रहता है, तो उसमें आप लोग मेरा ये देखिए लाइव डेमो देखिए, तो आप लोग को पता चल जाएगा कैसे इसमें ट्रेड लेना है। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जब चार्ट एनालिसिस किया था तो आप किस लेवल दिखा दिया था, अभी वैसे लेवल 1 2 3 और वो भी बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा। और इसका आप लोग एक्यूरेसी जांच लीजिए, और कैसे काम कर सकते हो वो भी देख लीजिए। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में सोचिए, ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है आप लोग को। देखिए आप लोग, मैंने ये जो ट्रेनिंग का अंत में आप लोग को ये फाइल है आप लोग को हैंड ओवर कर दूंगा, जितना सा ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा वह फाइल आप लोग को दे दूंगा। आप लोग को ऑनली इसका मेंटेन करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, वो भी कैसे करना पड़ेगा वो भी आप लोग को दिखा दूंगा। तो ऐसा मौका आप लोग को लेना चाहिए क्योंकि इसमें बना तो बहुत ही टाइम आप लोग देख सकते हैं ये इसमें कैसे काम करता है और कैसे इसमें एक्यूरेसी कितना है। तो और आप लोग जो लोग मतलब बिगिनर्स हैं उन लोग को तो चाहिए चाहिए, आप लोग को टाइम एनर्जी मानी बहुत ही सेव हो जाएगा। और जो लोग मतलब देखिए मैंने भी बहुत दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ अडेप्ट करके देखा हूँ, तो मैंने इसमें इसीलिए बाय सेल लेवल चार्ट का सेटअप बनाया है। तो इसमें आप लोग को ट्रेडिंग में बदलाव जरूर आएगा। ट्रेडिंग में देखिए आप लोग को ट्रेडिंग का में आप लोग मार्केट को मूवमेंट बहुत ही आसानी से पकड़ सकता है। जो लोग सोच रहा है कि मैं हम लोग प्राइस एक्शन, किसी का प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, किसी का बहुत सारा लेवल स्ट्रैटेजी इंडिकेटर्स का स्ट्रैटेजी बना है, 200 500 50 हुआ 55 89 बहुत सारा चीज़ मतलब मूविंग एवरेज देख के बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनाया है। मैंने भी बहुत सारा चीज़ मतलब हैंडल किया है, मूविंग एवरेज 21 34, किसी ने 55, किसी ने 49, किसी ने 89, ऐसा करके बहुत सारा चीज़ बनाता है। मेरा भी ये सब चीज़ एनालिसिस मतलब रिसर्च एनालिसिस करके मैंने बहुत सारा चीज़ किया है, तब जाके मैंने ये सब ये चीज़ बनाया है। तो इसमें थोड़ा सा फ्यूचर्स का लेवल दिखा देता हूँ। तो इसमें आप लोग को क्या हुआ है, देखिए अल्टीमेटली ये सिस्टम में चल जो जो सब चीज़ देखे आप लोग बना है वो सब चीज़ इसमें रिफ्लेक्शन अल्टीमेटली ये इसमें होता है। आप लोग का जो लेवल्स आएगा तो इसमें और भी वो लेवल और भी एक्यूरेट तरीक़े से आएगा, इसका इसमें वोलेटिलिटी को लिंक करके बनाया गया है। वो लेवल अभी तक दिखा नहीं, वो लेवल बाद में दिखाऊंगा और वही सिखाई जाएगा आप लोग को। और ये जब 360 डिग्री एनालिसिस और बहुत सारा लेवल्स जब आप लोग करेंगे तो आप लोग को मार्केट का मूवमेंट आप लोग को बिल्कुल भी पकड़ में आ जाएगा। और इसमें मैंने 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा इस सेट में। इस सेट में और भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल है और डाउन ट्रेंड का भी बाय सेल लेवल है। अप ट्रेंड जब और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा एंट्री लेने के लिए, और डाउन अप ट्रेंड जब रिटेस्ट के नीचे आएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब रिटेस्ट के ऊपर जाएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब रिटेस्ट के नीचे आएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, कौन सा लेवल पे कौन सा है वो भी आप लोग को इस मैट्रिक्स से पता चल जाएगा। और ट्रेंड भी पकड़ने के लिए इधर कुछ मूविंग एवरेज लगा है, इधर तो 5:30 का है, इधर से बहुत सारा 9:30 से चालू करके मूविंग एवरेज लेके बहुत सारा लोग बहुत ही एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया हूँ। तो बहुत सारा स्ट्रेटजीज RSI वगैरह, MACD वगैरह, विलियम परसेंटेज, आप लोग बहुत सारा, मैंने जितना सारा एक्सप्लोर मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। और ट्रेडिंग व्यू में मैंने चार्ट में वो जो ट्रेडिंग व्यू में आप लोग को जो चार्ट का सेटअप देखा है वो आप लोग को किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। तो जो लोग सोचता है कि हाँ आप लोग का स्ट्रेट स्ट्रेटेजी है, आप लोग इस ट्रेडिंग का नॉमिनल कॉस्ट में एक ट्रेडिंग के बारे में आप लोग देख लीजिए एक बार, तो उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को ट्रेनिंग में बदलाव आएगा। क्योंकि
वो जो आप लोग को स्ट्रेटजी दिखाएगा या प्राइस एक्शन के बारे में स्ट्रेटजी दिखाएगा। मैं भी जानता हूँ इसमें आप लोग का बहुत ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी मैंने बोलता हूँ ये ट्रेनिंग आप लोग ले लीजिए तो आप लोग को बहुत ही अच्छा मतलब मोमेंट आप लोग को पता चल जाएगा और बहुत ही अच्छा चीज़ आई है। एनीवे इसमें दे 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी है। 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है जो आप लोग सिंपल 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी जब चार्ट में लगाएंगे जो आज का डेली डेली चार्ट में तो देखेंगे इसी स्टॉक्स में 100 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज इस कैंडल को काट किया है किसी भी तरह के ऊपर से नीचे से। यह इसमें तो देखिए इसका जब हाई लो जब तोड़ेगा तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ऐसे प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट में आप लोग जानता है प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट एक स्ट्रैटेजी होता है तो उसका जब हाई 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है उसी का कॉन्सेप्ट को मैंने रिसर्च करके बनाया है कि जब इसका 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है ये आइदर ये रिवर्स जब उसका हाई लो जब ब्रेक करेगा आइदर ये अप साइड में रिवर्सल होगा और डाउन साइड में रिवर्सल होगा आप लोग को अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। आप लोग ठीक ठाक मतलब स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो और ट्रेल करेंगे तो इसमें देखिए इसमें बार्जर पेंट में हुआ है, इसमें ब्रिटानिया में हुआ है, इसमें आईजीएल में दिखा रहा है और इसमें रिलायंस में दिखा रहा है, एसआरएफ में दिखा रहा है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा मैंने। और जब आप लोग पेड सर्विस लेंगे तो ये पूरा फाइल आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग कुछ भी कर सकता है ये फाइल लेके। और इधर जो एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है ये ग्राफी मूविंग एवरेज है जो ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म ई एम ए और ये काफ़ी मल्टीपल मूविंग एवरेज है ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म ई एम ए। तो एवरेज शॉर्ट टर्म ई एम ए जो एवरेज लॉन्ग टर्म ई एम ए के काट के ऊपर जाता है तो वो अप ट्रेंड रहता है और ये डेली का डाटा लेकर किया हो तो इसका अप ट्रेंड ही रहेगा, ये डाउन ट्रेंड रहेगा एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, नेक्स्ट डे कुछ टाइम के लिए आप लोग को यही दिखाएगा और नहीं तो नेक्स्ट डे होल्ड लॉन्ग दिखा सकता है नहीं तो एटलीस्ट एक दो सेशन में दिखाएगा। और आप लोग को उसका इसके ऊपर आप लोग को ये लेना है मतलब बाय सेल लेवल स्टिक से डिटरमाइन करके लेना है। और ये पेज में आप लोग को आर्बिट्रेज का जो फ्यूचर्स और स्टॉक्स का कितना परसेंटेज बेसिस है ये आप लोग को इधर से दिख जाएगा, जो लोग आर्बिट्रेज ट्रेड करना चाहता है इसमें आप लोग को मिल जाएगा। और इस पेज में आप लोग को कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग मिलेगा, कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग में कौन सा सबसे अच्छा मतलब ये रेगुलर बेसिस पे इसका हाई लो प्राइस मतलब 1 महीना का डाटा का बेसिस पे डाटा का बेसिस पे मैंने करता हूँ तो मैं इसका हर रोज़ अपडेट करना पड़ता है, इसको शिफ्ट करके इसका वैल्यू बताता हूँ। उसके बाद इसका फार्मूला जब जियोपोटाइज हो जाता है तो इसका वैल्यू फार्मूला का इधर से कॉपी पेस्ट करके फिर से इधर का इसका जो फार्मूला पोर्शन है इसके ऊपर बैठा देता हूँ तो ऐसे करके अपडेट करके रखता हूँ। तो क्या होता है इसमें अपडेटेड जो कोरिलेशनशिप है इधर आप लोग को मिल जाएगा, मतलब जिसमें सोच लीजिए 90% के ऊपर है आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, 90 वो हाईलाइट किया करके रखा है तो ठीक है। तो इसमें देखिए जो 90% के ऊपर जो है उसमें आप लोग ट्रेड लेंगे तो अच्छा होगा। और कौन सा ट्रेड में कौन सा पेयर का अंदर कौन सा बाई करना है कौन सा सेल करना है वो भी इधर से आप लोग को दिख जाएगा, वो भी एक दिन का हिसाब से, 7 डेज का हिसाब से, 15 दिन का, 15 डेज के हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से। और इधर एज आई हैव अपडेटेड द चेंज इन प्राइस ऑन 1 डे 7 डे 15 डेज और फिर 30 डेज बेसिस इधर से ट्रेंड का भी आप लोग को पता लग जाएगा। सोच लीजिए इधर पेट्रोनेट इधर 1 डे का हिसाब से पॉजिटिव है 1.5 इधर, लेकिन इधर लास्ट 3 दिन से नेगेटिव है, मतलब 3 दिन से नहीं 7 डेज 15 डेज और 30 डेज का हिसाब से नेगेटिव है। तो इसका मतलब है ये इसका नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, ये थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है, इसका कॉन्फर्मेशन का जरूरत होगा जब रिवर्सल आने के लिए एटलीस्ट वीकली और मंथली का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, ऐसे करके आप लोग इसका भी कर सकता है। टोटल मार्केट का मूवमेंट है एक्सेल शीट में कैप्चर करके
रखना पॉसिबल है और वो मैंने करके रखा हूँ। और इधर देखिए इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इनसाइड द बार इनर 4 टू इनर 7 जो है इसका देखिए 2 दिन का हिसाब से ये एसीसी इनसाइड द बार है। 2 दिन का हिसाब से जब इनसाइड द बार है तो जो अगला 2 दिन का कैंडल जब ब्रेक होगा हाई लो ब्रेक होगा इसका सोच लीजिए। इसका जो डेट हुआ है इसका 1244 या 1120 जब ब्रेक होगा तो ट्रेड लेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है। और इधर अदानी पोर्ट पर हो सकता है। और जो लोग मतलब पेयर ट्रेडिंग करेंगे तो एसीसी को सेल करेंगे जरूर और बाई करेंगे अंबुजा सीमेंट को। अच्छा ये अदानी पोर्ट इनसाइड द बार बना है और इनर फोर बना है ठीक है। इनर 7 इनर फोर 2 और इनटू 1 डे का हिसाब से 2 इनर 4 इनर 7 इनर 4 इनर 7 बना है ठीक है। तो इसमें 1 डे का हिसाब से ब्रिटानिया में 2 डे ये इनर 4 इनर 7 बना है, ये इनसाइड द बार बना है। 2 डे का सेंचुरी टेक्स में 2 डे का हिसाब से बना है। इधर इनर 4 इनर 7 बना है सीएससी में। और अब लोग मेरा जो जितना सारा प्राइस एक्शन है सप्लाई डिमांड जोन ये सब वगैरह उसके बाद बहुत सारा इंडिकेटर्स लेके जितना सारा इंडिकेटर्स ले रहे आप लोग सोच सकते हैं वो सब लेके मेरा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो मेरा ट्रेडिंग भी मैं स्ट्रेटेजी भी बनाया हूँ और ये लेवल्स भी बनाया हूँ तो इसका फ़ायदा आप लोग जरूर उठा सकते हैं। आप लोग ट्रेनिंग लेके देख सकते हैं, आप लोग को ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा चीज़ मिल जाएगा तो इसका फ़ायदा आप लोग को उठाना चाहिए। मैंने देखिए मैंने इसका मैंने छुपा के रख सकता हूँ, मेरा सीक्रेट रख सकता हूँ। तो आप लोग को इसमें आप लोग को कॉल सर्विस दे सकता हूँ, आप लोग को मेरा मेरा इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। लेकिन मैं आप लोग को सिखाऊंगा, सिखाने का कोशिश ये है कि मैंने भी बहुत मेहनत करके इसको सीखा हूँ और मैं बहुत सारे लोग 50,000 1 लाख का ऊपर ये आइदर सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है नहीं तो कॉल सर्विस नहीं तो ट्रेनिंग दे रहा है। तो मैंने चाहता हूँ कम से कम एकदम मिनिमम कॉस्ट में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जब चीज़ मिलना चाहिए तो पीपल इसमें इंटरेस्टेड होंगे और इसका जब अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा रेगुलर बेसिस पे तो इसका ट्रेड वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रेड में आएंगे तो हम लोग को फ़ायदा होगा। तो इधर देखिए बाजार जाटों में लगातार 3 दिन से हाई रही हाई लोस बना है बट इंडिया में बना है ठीक है। इसमें डिविस लेवल बना है, इधर से कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई, इधर लोअर है लोअर लोस लगातार 3 दिन से इंडिगो में बना है। और कैसे इसको ट्रेड करना है आप लोग जान लीजिए। नेस्ले सभी इन्वर्टेड हैमर बना है नेस्ले इंडिया में ठीक है। और कुछ देखता है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इधर, कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न बना नहीं। इधर देखता है और कुछ इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक बना है कि नहीं बना है। बुलिश मारूंगी बियरिश मारूंगी मैंने बना के रखा हूँ लेकिन ओपन हाई लो भी इधर से दिखता है आप लोग को ज़्यादातर नहीं मिलने वाला है। ये क्या है बुलिश ओपन ड्राइव, इसका भी एक है बुलिश और बियरिश इसका जो ओपन ड्राइव है ये भी एक अच्छा चीज़ है। बजाज फिंसर में बना है बियरिश ठीक है। और मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट इसमें आप लोग हाई लो जब मास्टर लॉन्ग का हाई जब हाई ब्रेक करेगा मास्टर शॉर्ट का मतलब ये सेक्शन मास्टर लॉन्ग मास्टर फिबोनाची और मास्टर ये तीनों सेक्शन जब इसमें कुछ भी ट्रू दिखाएगा तो आप लोग आँख बंद करके हाई लो ब्रेक करके ट्रेड लीजिए, आप लोग को प्रॉफिट जरूर आएगा। और ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न क्या चीज़ है, ये प्राइस एक्शन से ही बनता है ना। तो इसमें शेकआउट ये सब लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक पैटर्न अपोलो हॉस्पिटल में लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक ये ऊपर होगा तो ऊपर कैंडल लॉन्ग टेल होगा तो इसका सेल का साइड में जाना है और जब नीचे का लॉन्ग टेल होगा तो बाई साइड में जाना है। तो इधर इधर लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक बना है इसका जब हाई ब्रेक करेगा बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है। ये 50-50 कोई भी किसी भी साइड में ये अच्छा मूवमेंट देने वाला है। और ये इसमें बियरिश हरामी बना है इस स्टॉक्स में कुछ कुछ स्टॉक्स में अदानी पावर अदानी बोर्ड। आप लोग ये जो वाइसल लेवल्स का जो वीडियो बनाता हूँ आप लोग को बहुत सारा चीज़ एक साथ मिल जाता है। आप लोग इसमें किसी भी एक कुछ में से किसी चीज़ के ऊपर इसका अंदर कुछ चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे तो आप लोग का एक दिन का ट्रेड हो जाएगा, कभी आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा इतना सारा
फ्री में देने के लिए। इसमें एक्सिस बैंक में गैप डाउन हुआ है, आप लोग गैप जो लोग गैप डाउन गैप अप गैप थ्योरी जो लोग जानता है, गैप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड लेना है आप लोग को पता जाए चल जाएगा। इसके बाद मैंने कुछ लेवल्स दिखाऊंगा फिबोनाची का, मल्टीपल टाइम फ्रेम में लेवल दिखाऊंगा उसमें। एक्चुअली इतना स्टॉक्स में तो नहीं दिखा सकता, आप लोग ट्रैक भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसके लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी को दिखाता हूँ। कमोडिटी भी आप लोग देख सकता है जितना सा व्यू में आता है, मैंने कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कुछ व्यू में लेने आने के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी बाहर चला जाता है, तो इसको शॉर्ट कर दूंगा तो जो लोग मोबाइल से देख रहा है इसको प्रॉब्लम होगा। तो एनीवे देखिए, फिबोनाची का मल्टीपल टाइम फ्रेम है, 7 डेज का हिसाब से, 5 डेज का हिसाब से, 3 डेज का हिसाब से, 2 डेज का हिसाब से और 1 डेज का हिसाब से तो जरूर चाहिए। उसके बाद 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से और 1 ईयर का हिसाब से। अब तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है आप लोग भी समझ सकता है। जो कुछ लॉन्ग टर्म का कुछ बाय सेल लेवल्स या सपोर्ट डिस्टेंस ब्रेक करेगा तो उसका मूवमेंट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, 1 दिन नहीं तो 2 दिन में या 3 दिन में। पहले ही जो सोच लीजिए, 15 डेज का कुछ लेवल इंटरडे में ब्रेक किया है तो क्या होगा, आप लोग 30 डेज का कुछ लेवल ब्रेक किया तो एटलीस्ट अच्छा मूवमेंट तो मिलता है। वो 2 3 दिन से या अगला 10 15 दिन से, हाँ 10 15 दिन के और भी नीचे या ऊपर जाएगा, लेकिन इंटरडे में तो कुछ तो मिल जाएगा आप लोग को ज़्यादा। यह सीपीआर पिवट पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मल्टीपल टाइम फ्रेम में बना हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये इस सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वोलेटिलिटी लिंक्ड है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करता है। आप लोग को लाइव मार्केट में मतलब लाइव डेमो जो दिखाता हूँ यही आप लोग को दिखाता हूँ और यही चीज़ आप लोग को सिखाऊंगा। तो इसमें बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करता है ये गान एंगल्स का है, वोलेटिलिटी बेस्ड। फिबोनाची तो चला गया, इसके बाद गान डिग्रीज का है आएगा, ठीक है, ये है गान एंगल, इसके बाद ये गान डिग्रीज का है, वोलेटिलिटी बेस्ड गान डिग्रीज। इसके बाद फिबोनाची का ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी बहुत ही काम पे आएगा। फिबोनाची का जो ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सबसे बना है, इधर है इलियट वेव, इलियट वेव भी आप लोग देख सकते हैं, एक वेव का कौन सा वेव के ऊपर कौन सा जाएगा, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कंपेयर कर लीजिए, जो लोग देखिए जो जो सोच लीजिए इस लेवल में ये बाई लेवल का थोड़ा सा नज़दीक रहता है, सोच लीजिए 9145 कौन सा लेवल पे दिखाता है, 9143, तो ऐसे करके आप लोग कंपेयर करके आप लोग इसीलिए बहुत सारा लेवल्स जब एक साथ देखेंगे। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट का लेवल है, ये भी आप लोग को लाइव मार्केट में सिखाया जाएगा, मंथ ऑफ ट्रेनिंग सेशन लाया हूँ। आप लोग लाया हमारा लाइव डेमो देख लीजिए, मैंने 2 3 दिन से थोड़ा सा देर हो चुका हूँ तो इसीलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला है, लेकिन जब जो थोड़ा सा टाइम लेके मैंने दिया है, मैंने आप लोग ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए मैंने बनाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा लाइव डेमो कितना एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है, ऑलमोस्ट मैजिक की तरह काम कर रहा है, आप लोग को समझ सकता है, क्योंकि लेवल आने के बाद आप लोग को प्रॉफिट देके जाएगा, ये आप लोग मतलब पकड़ सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं किया जाए 100% नहीं होता है, हो सकता है कुछ दिन लॉस आ जाएगा, लेकिन एक एक्यूरेसी आप लोग एसेस कर सकता है इसका कितना एक्यूरेसी आप लोग को मिलेगा। और इसमें कुछ लेवल्स दिखाऊंगा जो कि ATR बेस्ड है, 8 ईयर बेस्ड लेवल्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन का बेस्ड लेवल है, तो इसमें भी बहुत सारा इंडिकेटर्स है, ठीक है, RSI, स्टोकास्टिक्स, ATR और इतना सारा चीज़ है, लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज, ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज, ये आप लोग को सभी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। वेटेड क्लोज, आप लोग जितना सारा इंडिकेटर्स आप लोग सोच सकते हैं सभी को मैंने एक्सप्लेन, हाँ बहुत सारा लोग, हाँ जो लोग का कॉन्फिडेंस है उन लोग को मैंने छोटा नहीं करता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहना बहुत ही जरूरी है। एक सेटअप आप लोग को प्रॉफिट दे रहा है तो आप लोग को वही डे टू डे इस्तेमाल करना है, लेकिन
हम लोग को स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर, लेकिन जब इसका मैंने एडप्ट किया हूँ, क्योंकि इसमें एक आप लोग को ट्रेडिंग में बदलाव जरूर आएगा और आप लोग का एक्यूरेसी और भी बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि ये साइकिल में चलता है, यूनिवर्स चलता है, स्टॉक मार्केट भी चलता है। ये मैंने ऐसे एहसास किया, इसीलिए आप लोग को साथ ट्रेनिंग में देके आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। प्राइस एक्शन वगैरह वो भी मैंने समझता हूँ, इंडिकेटर्स का बहुत सारा स्ट्रेटेजी सेटअप आप लोग को मेरा, मैंने इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोग उसका मेरा कुछ स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसको कोई भी आप लोग अडॉप्ट कीजिए, उसका एक्यूरेसी कोई भी स्ट्रेटेजी जो जो मैंने दिया हूँ ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट का सेटअप स्ट्रेटेजी, आप लोग कोई भी अडॉप्ट करके देखिए, आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। लेकिन मैंने टेक्निकल से चार्ट का सेटअप कुछ बना के रखा हूँ ट्रेडिंग व्यू में, वो आप लोग को ट्रेडिंग में दिखाऊंगा, क्योंकि वो कुछ अलग तरीका का है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, मैंने फिर से मिलने का कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, और हो सकता है मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में भी आने का कोशिश करूँगा, तो आप लोग भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर है तो पूछ सकता है किसी भी टाइम में, मैंने अभी टाइम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने संडे आप लोग यूट्यूब वीडियो के ऊपर नज़र रखेंगे, जब भी आप लोग को लाइव दिख जाएगा तो आप लोग आ जाएंगे, तो आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए मेरा भी एंजॉय करूँगा, आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए डिस्कस करने से, और आप लोग को भी शायद एंजॉय करूँगा, एंजॉय करेंगे। और आप लोग क्या बोलता है, मेरा जो कुछ भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, ये जो ट्रेनिंग का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप लोग पूछ सकता है, या वाइस लेवल्स जो है स्ट्रेटेजी के बारे में कोई भी लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, धन्यवाद।